नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल के इस खास प्रस्तुति में। और प्रस्तुति इसलिए क्योंकि काशीपुर शहर का यह सौभाग्य है कि आप उस शहर में रहते हैं जहां बहुत आसानी से पानी भर जाता है, जहां पे बहुत आसानी से प्रोजेक्ट आ जाते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे आपका कार्य कुछ इस तरीके का होता है कि रामनगर रोड जो मेन हाईवे है वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, गाड़ियां एम्बुलेंस उसमें फंसती हैं, और जहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी ऐसा समन्वय बैठाते हैं जहाँ पे काम कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पर नगर निगम द्वारा सफाई कराई जाती है और सफाई कुछ ऐसी कराई जाती है कि नालों में पूरी तरीके से चोक्ड जो है बड़े बड़े नाले नालियां यहाँ दिखाई देती हैं। स्थिति ये होती है कि ऐसी ऐसी जो मेन सड़क पर जो कॉलोनियां बसी हैं वो पानी में डूब जाती हैं। तो आखिर क्या है मुख्य वजह इस चीज़ की, इसी पर वार्ता करेंगे। लोगों की बाइकें यहाँ फंसती दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और मौजूद है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मानसून का सीज़न पीक पर है, और मानसून के इस सीज़न में जो स्थिति इस समय रामनगर रोड पर हो रही है, जहाँ पानी भरता जा रहा है मेन हाईवे पर, जहाँ पर इतना गहरा गड्ढा हो गया है, जैसे आपको अभी हमने तस्वीरों में दिखाया कि एम्बुलेंस किस तरीके से झटका खा के निकली है, बाइकें लगातार रुक रही हैं। आप सीधी लाइव तस्वीरें जो है इस समय मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि जूम करके दिखाएगी क्या स्थिति है। आइए वार्ता करते हैं, कुछ लोग हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सुबह मैं ड्राइविंग सिखा रहा था तो मैं यहाँ से निकला, पानी तक काफी यहाँ पर, कल यहाँ गड्ढा नहीं था बिल्कुल भी। और जब सुबह यहाँ से निकला, लड़की गाड़ी चला रही थी, जैसे गड्ढे में गाड़ी बहुत जोर से गिरी, लड़की भी चोट लगी सिर में, और पता नहीं चला गड्ढा जिसमें था इसके अंदर बहुत गहरा, पता नहीं चला उसके देखते नहीं इस चीज़ को बिल्कुल भी। तो ये स्थिति है काशीपुर की। आप सुन भी पा रहे हैं कि मौजूदा हमें एक साक्ष्य भी मिल गया कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के, उनकी बेटी के चोट लगी है। आप भी इस पानी को देख के नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्थिति है कि ये गहरा गड्ढा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से गाड़ी जो है यहाँ घुस रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा हादसा यहाँ पर साफ साफ देखने मिला है, जिसमें गाड़ी नाले में घुसती दिखाई दे रही है। नाला खुला पड़ा है, स्थिति रामनगर रोड की है, और रामनगर रोड में ये वही नाला है जिसके अभी कुछ दिनों पहले नगर निगम द्वारा सफाई की गई थी। क्या है इन चीजों का कारण, आखिर क्यों इस तरीके की आधी व्यवस्था टेम्पररी माध्यम से की जाती है कि लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं रामनगर रोड की, जहाँ की गलियों में पानी, व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है, सबके तालों के अंदर पानी जा चुका है। आखिर ऐसा कब तक जो है इस शहर का सामना जो करना पड़ेगा? कैमरा पर्सन से फिर जाऊंगा, दिखाएं। मैं चाहूंगा मेरे काशीपुर की जो जनता है वो इस चीज का जवाब दे कि आखिर दिक्कत उनको कहां लगती है, कि आखिर क्या दिक्कत है जो काशीपुर आज भी एक कस्बे की तरीके से पीछे रह पाया है, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको सब चीजें देखने मिल रही हैं, स्थिति देखने मिल रही है उसी काशीपुर की जिसके आप भी निवासी है, जहाँ हम भी रहते हैं, जहाँ पूरा समाज रहता है, लेकिन कार्य यहाँ पर उस तरीके से देखने को नहीं मिलता। जनप्रतिनिधि और जो साथी अधिकारी हैं उनके बीच का आखिर समन्वय कहाँ टूट जाता है जो काशीपुर को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं अपने सहयोगी कुंदन बिशी से चाहूंगा कि वो आपको आगे की जानकारी दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम रामनगर रोड पर खड़े हैं, और बड़ी बुरी स्थिति है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, वाहन से जो गड्ढे से निकल रहे हैं। अभी अभी दो तीन एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, और न जाने कब तक प्रशासन निगम सोता रहेगा, और न जाने कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, मेरे सहयोगी मालिक गुप्ता के साथ। ये स्थिति है आपके मुख्य हाईवे रामनगर रोड की। रामनगर रोड पे सूरज मेडिकल के पास, इस फ्लाईओवर के पास, जिसको आपने 7 सालों से पलते पोसते देखा है, आपको लेकर चलते हैं मुख्य बाजार में, और व्यापारियों की दिक्कतों को आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे, और दिखाएंगे उन जनप्रतिनिधियों को, उन अधिकारियों को जो अभी लाइव माध्यम से जुड़ के देख रहे होंगे कि आखिर उनके शहर की, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, जहाँ की जनता ने उन्हें चुना है, वहाँ की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अगले लाइव अपडेट में हम लेके चल रहे हैं मुख्य बाजार में।